बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। माय नेम इज असीबिया मिनहान एंड टुडे वी विल रिजॉल्व द एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 में हमने देखा कि हमने किसके बारे में पढ़ा था। हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं ये देखा था, नेगेटिव इंटीजर देखा था। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ इंटीजर देखा था, ऑर्डरिंग उसकी कैसे होती है। फिर हमने उसकी एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू देखी थी इंटीजर की। तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दे रहा है, ड्रा द नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग नंबर्स। -4 to 0 एक नंबर लाइन हमने ड्रा की। नंबर लाइन में आपको पता कि यहाँ क्या होता है, 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, up to so on। अब हमें कह रहे हैं कि -4 to 0, -4 से 0 के दरमियान जो नंबर आ रहे हैं उसको आपने मार्क करना है। तो देखें कौन कौन सा आ रहा है, एक ये आ रहा है -4, एक ये आ रहा है -3, एक आ रहा है -2, एक आ रहा है -1 और आ रहा है 0। इस तरीके से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर दिया। इसी से स्टूडेंट्स हम दूसरा सवाल देखते हैं, उसके ऊपर कह रहा है -3 to 4। इस तरीके से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ की, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। वो कह रहा है -3 से आपने 4 तक के डिजिट मार्क करने हैं। तो देखें -3 इधर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनके दरमियान नंबर कौन सा आ रहा है, -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो आप इसको इस तरीके से मार्क करेंगे जब आपको कहा गया होगा कि नंबर लाइन के ऊपर आपने मार्क करना है। अब हम इसका देखते हैं दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको बताया हुआ है कि फिल इन द बॉक्स विद द ग्रेटर और लेसर। ग्रेटर और लेसर के निशान के साथ आपने फिलअप करना है। देखें ये अंडरस्टूड बता। अच्छा, एक आपको मैं बात बताता जाऊँ कि जब आपने ग्रेटर करना होगा किसी चीज़ को तो आप उसकी तरफ फेस ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, ग्रेटर में। और जब आपने किसी चीज़ को लेसर शो करना होगा तो उसकी तरफ ये क्लोज होगा और उसको हम क्या कह देंगे, लेसर। देखें 7 और 8 में ये तो एक अंडरस्टूड, हमें पता है कि 8 बड़ा होगा तो हम इसमें पहले में क्या निशान लगाएंगे, 8 की तरफ ओपन कर देंगे क्योंकि 8 बड़ा होता है 7 से। इसी तरीके से जो दूसरा है उसमें हम देखेंगे कि -4 और -7 का तो मैंने पूछा हुआ है। असल में माइनस में जो टर्म होती है वो छोटी होती है, माइनस में हम जितना ऊपर जाते जाएंगे वो असल में टर्म उतनी ही छोटी होती जाएगी। जैसे -1, -2, -3, -1 बड़ा होगा, -2 उससे छोटा, -3 उससे छोटा है। अब तो सोन ये और छोटा होता चला जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे -4 और -7 में बड़ा फिर कौन हुआ, -4, क्योंकि ये -7 से पहले आ रहा है। देखें एक नंबर लाइन के अंदर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 देखें पहले हमें ये मिल रहा है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा जगह। इसलिए हमने इसकी तरफ ग्रेटर का साइन ओपन कर दिया। -4 और 0 में आपका बड़ा कौन होगा, 0, क्योंकि माइनस वाली टर्म हमेशा छोटी होती है। तो इधर हमने 0 की तरफ ओपन कर दिया। 6 और -6 में आपका बड़ा कौन होगा, +6, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। -3 और 0 में बड़ा कौन होगा, 0। और इसी तरीके से -8, -11 में बड़ा कौन होगा, -8। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके तीसरी चीज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे वो कह रहा है विच इज द ग्रेटर, -2, -201 और -130। अच्छा, मैंने आपको अभी स्टूडेंट्स बताया कि माइनस में जो वैल्यू असल में जितनी बड़ी होती जाती है वो असल में उतनी ही छोटी होती जाती है।
तो हमें इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो पिक करनी है। तो छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, माइनस यूजर वन। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए वही कॉन्सेप्ट है कि जो जो वैल्यू बड़ी होती जाएगी वो उससे बढ़ती जाएगी। तो इसमें ग्रेटर कौन होगा, माइनस 201। इसी तरीके से उसने आपसे नीचे से पूछा हुआ है कि विच इज द स्मॉलर, माइनस 75 और माइनस 189। तो इसमें हम देखेंगे कि स्मॉलर इसमें कौन है, माइनस 189, क्योंकि ये टर्म असल में दिखने में तो बड़ी है लेकिन माइनस में ये उतनी ही छोटी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। राइट द इंटीजर बिटवीन 4 एंड 7। 4 और 7 के दरमियान इंटीजर कौन कौन से हैं वो आपने लिखने हैं। देखें नंबर लाइन ड्रॉ की, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर माइनस वन माइनस टू की काउंटिंग भी चलती जाएगी। तो इधर देखें 4 और 7 के बिटवीन, बिटवीन में कौन कौन से आ रहे हैं, 4 और 7 के बिटवीन ये दोनों इंटीजर आ रहे हैं। तो हम इसका क्या लिखेंगे, राइट द इंटीजर बिटवीन 4 एंड 7 आर इंटीजर बिटवीन 4 एंड 7 आर 5 एंड 6। तो 5 और 6 हमारे दो डिजिट हैं जो कि हमारे 4 और 7 के दरमियान लाए कर रहे हैं। इसका अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो वो है -4 और 6। -4 और 6 में अगर हम इसको देखें, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें कह रहे हैं -4 -6 के दरमियान कौन कौन से नंबर लाए कर रहे हैं। देखें -4 -6 तो बाउंड्री पार्ट है, बिटवीन की बात हुई है तो हम यहाँ से उठाना शुरू करेंगे। देखें इन दोनों के दरमियान कौन कौन से नंबर लाए कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है। ब्रैकेट देखें, यहाँ से -4 और वहाँ पे 6 है, तो -4 और 6 के दरमियान कौन कौन से नंबर लाए कर रहे हैं। हम क्या लिखेंगे कि इनके दरमियान जो नंबर लाए कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। गिव 2 पॉसिबल इंटीजर इन द फॉलोइंग केस, वो कह रहा है कि इस केस में आप मुझे कम से कम 2 इंटीजर बताएं कि कौन कौन से होंगे। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इधर हमें सिर्फ 2 की डिमांड है तो हम सिर्फ 2 की ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहले पार्ट में उसने लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि 0 से छोटे वाले इंटीजर बताएं। 0 बड़ा से छोटे वाले इंटीजर कौन कौन से होंगे, -1, -2, -3, -4 कोई भी हो सकता है, और इसमें से हमने उठा लिया -1, -2। अब वो कह रहे हैं 0 से बड़े वाले में बताएं, तो हम इसको लिख देंगे 0 से बड़े वाले इंटीजर कौन कौन से हैं, +1, +2, +3, up to 7। तो इधर हमने उसने 2 का पूछा तो हम इसको सिर्फ 2 ही रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Write 3 integers less than -4। कहता है -4 से जो छोटे 3 इंटीजर हैं उनके आप नाम लिख के दें, नंबर लिख के दें हमें। तो देखें लेट्स सपोज -4, मैं कहता हूँ 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। देखें लेस देन मतलब -4 से लेफ्ट वाले काउंट होंगे। कितने चाहिए हमें, 3 इंटीजर चाहिए, तो वो कौन से होंगे, -5, -6 एंड -7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया इसका -5, -6, -7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। इसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन नंबर 8 भी रिजॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर अब हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमेरिकल वैल्यू जब आपने फाइंड करनी हो तो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है, तो पॉजिटिव जो होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो वो ही होती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वही होती है। लेकिन जब आपको कोई नंबर आ जाए जिसके साथ -9 है तो आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकालेंगे, -9। जब भी आपने न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, आपने जो रकम है उसको माइनस से आप करेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, +9। इसी तरीके से अगर मैं किसी -8 की निकालना चाहूँ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो डेढ़ से हम क्या करेंगे, -2 लगा के ओरिजिनल वैल्यू आपने अंदर रखनी है,
तो माइनस पाँच प्लस हो जाएगा, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, और यही आपका आंसर होगा। अच्छा अब हम देखते हैं राइट इंटीजर्स हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 4। देखें वो कह रहा है कि आप ऐसे इंटीजर लिखें जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 हो, तो इसमें हमारे पास दो इंटीजर आते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमारे पास दो इंटीजर आते हैं, वो कौन कौन से हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू 4 तभी हो सकती है, एक तो पॉजिटिव 4 हो सकता है और एक नेगेटिव 4 हो सकता है। तो देखिए पॉजिटिव 4 की तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगी, लेकिन जो माइनस 4 है, जो माइनस 4 है उसके हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस इंटू माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 4, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 4। राइट एंड टीचर हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 4, तो हमने क्या लिख दिया, वो कौन से हैं, माइनस 4 प्लस 4 ऐसे न्यूमेरिकल ऐसे इंटीजर हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है। लास्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते जाते हैं, अरेंज द गिवन इंटीजर असेंडिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि क्या होता है, असेंडिंग जो होता है वो होता है स्मॉल से ग्रेटर, छोटे से बड़े की तरफ, और जो डिसेंडिंग होता है वो इसका रिवर्स होता है, वो क्या होता है ग्रेटर टू स्मॉलर। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसके आप हमें असेंडिंग ऑर्डर लिख के दें, तो हम क्वेश्चन 1 का असेंडिंग ऑर्डर हम इधर लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा, देखें सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, माइनस 3, उसके बाद माइनस 2 इससे बड़ा है, उसके बाद 0 इससे बड़ा है, और उसके बाद 4 बड़ा है। और अगर हमने इसको डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग में हमारे पास क्या होगा, 4, 0, माइनस 2, माइनस 3। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम किस तरीके से करेंगे, इसकी असेंडिंग वैल्यू क्या आएगी, इसकी असेंडिंग वैल्यू आएगी माइनस 4, 0, 1, 3, और इसकी डिसेंडिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 1, 0, माइनस 4, तो ये इसकी डिसेंडिंग वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट भी हल कर सकते हैं, इसमें जो कुछ कंसेप्ट दिए हैं उन सब सवालों में यूज़ हो रहे हैं, उन कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपकी बाकी भी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।